तो भाई अगर आप लोगों के वन टैप नहीं पड़ते हैं, या फिर आप लोगों को हेड मारने में प्रॉब्लम आती है, या फिर आप लोगों की फ्री फायर के अंदर मूवमेंट स्पीड बहुत ज़्यादा स्लो है, या फिर आप लोगों को ग्लू बॉल लगाने में प्रॉब्लम आती है, या फिर आप लोगों की ग्लू बॉल लगाने की स्पीड बहुत ज़्यादा स्लो है। तो भाई आज की इस वीडियो में बात करने वाला हूँ फ्री फायर की एक ऐसी सेटिंग की जिसका नाम है कंट्रोल सेटिंग। अब देखो फ्री फायर के अंदर कंट्रोल सेटिंग वो सेटिंग होती है जिनकी मदद से आप लोग अपने गेम प्ले को एकदम नेक्स्ट लेवल तक लेके जा सकते हो। आप लोग अपने गेम प्ले को नेक्स्ट लेवल तक तभी लेके जा पाओगे जब आप लोग उन कंट्रोल सेटिंग के बारे में ऑल अबाउट आप लोग सब कुछ जानते हो। तो यहाँ पर मैं आज आपको यही बताने वाला हूँ कि आप लोगों को फ्री फायर के अंदर अपनी जो कंट्रोल सेटिंग होती है उनको किस तरीके से ठेक करना है और वो किस तरीके से वर्क करती है। तो जितने भी लोग आज की इस वीडियो को देख रहे हो, तुम सभी से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि मेरे कहने से आज की वीडियो शुरू से लेकर लास्ट तक देख लेना। तो चलो गाइस बिना किसी टाइम वेस्ट किए अभी हम करते हैं वीडियो को स्टार्ट। लेकिन गाइस यहाँ पर मैं वीडियो को स्टार्ट करूँ उससे पहले आज की इस वीडियो में 500 डायमंड का गिव अवे और चल रहा है। ये जो 500 डायमंड का गिव अवे है वो बिल्कुल फ्री है। तो अगर आप लोग गिव अवे में पार्टिसिपेट करना चाहते हो, फ्री फायर के अंदर फ्री में 500 डायमंड जीतना चाहते हो, तो उसके लिए आपको सिंपली कुछ नहीं करना है, आज की इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में जाना है। कमेंट बॉक्स में जाके आपको बस अपनी यूआईडी साथ एक मैसेज डाल देना है। तो आप में से 5 रैंडमली बंदों को मेरी तरफ से मैं अंडा अंडा करके डायमंड है वो दे दूंगा। तो चलो गाइस अभी हम करते हैं कंट्रोल सेटिंग के बारे में बात। तो अभी मैं आपको जो कुछ भी बोलने वाला हूँ या फिर जो कुछ भी दिखाने वाला हूँ उसको थोड़ा ध्यान से देखना और ध्यान से ही समझना है। तो जब आप लोग अपनी कंट्रोल सेटिंग के अंदर जाते हो तो यहाँ पर आप लोगों को ढेर सारी कंट्रोल सेटिंग देखने को मिल जाएंगी। लेकिन आज की इस वीडियो में आपको इंपॉर्टेंट जो कंट्रोल सेटिंग है उनके बारे में ही बताने वाला हूँ। ठीक है, ज्यादा वीडियो को मैं लंबी नहीं खींचूंगा क्योंकि यहाँ पर जो मेन कंट्रोल सेटिंग है उनके बारे में आपको मैं बताने वाला हूँ। तो जब आप लोग अपनी कंट्रोल सेटिंग के अंदर जाओगे तो वहां पर आप लोगों को एक ऑप्शन देखने को मिलता है जिसका नाम होता है क्विक वेपन स्विच। तो आप लोग इसे ऑन रखना है या फिर ऑफ रखना है। तो देखो अगर आप लोग इसे ऑन रखते हो तो यहाँ पर आप लोगों को एक एक्स्ट्रा बटन देखने को मिलता है जिसकी मदद से आप लोग अपनी गन को ऑटोमेटिक स्विच ऑन कर सकते हो। जैसे अभी मेरे हाथ में एक्समेट है, तो अगर मैं इस वाले बटन पर क्लिक करूंगा तो यहाँ पर मेरे हाथ में शॉर्ट गन आ जाएगी। अगर मैं वापस से इस बटन पर क्लिक करूंगा तो मेरे हाथ में एक्समेट आ जाएगी। आप लोग इसी बटन से अपनी गन को स्विच ऑन कर सकते हो। तो अभी हम बात करते हैं नेक्स्ट सेटिंग की। तो भाई नेक्स्ट सेटिंग है वो है आप लोगों की क्विक रिलोड। तो यहाँ पर भी आप लोगों को इसे ऑन रखना है या फिर ऑफ रखना है। ऑन रखने पर क्या होता है, तो देखो अगर आप लोग क्विक रिलोड को ऑन करते हो उसके बाद आप लोग किसी बंदे फायर करते हो उसके बाद अपनी गन को रिलोड करते हो, आप लोगों को अपनी गन को ऊपर से रिलोड करने की जरूरत नहीं है। आप लोग अगर क्विक रिलोड को ऑन कर देते हो तो यहाँ पर आप लोगों को एक एक्स्ट्रा बटन देखने को मिलता है इसकी मदद से आप लोग अपनी गन को रिलोड कर सकते हो। अगर आप लोग क्विक वेपन स्विच को या फिर क्विक रिलोड को ऑफ करते हो तो यहाँ पर से आप लोगों के दोनों बटन हो जाएंगे। फिर उसके बाद आप लोग को ऊपर से क्विक रिलोड करना पड़ेगा और ऊपर से आप लोग को अपनी गन स्विच करनी पड़ेगी। तो आप लोगों को मैं ये बोलूंगा कि आप लोगों को हमेशा इन्हें ऑन पर सेट कर देना है। अभी हम बात करते हैं नेक्स्ट बटन के बारे में बात। तो नेक्स्ट नंबर का जो बटन है उसका नाम है रिलोड प्रोग्रेस ऑन क्रॉस हेयर। तो यहाँ पर आप लोग को दो ऑप्शन देखने को मिलते हैं, एक तो होता है आप लोग का ऑन वाला और दूसरा होता है आप लोग का ऑफ वाला। तो आप लोग को इसे ऑन करने पे क्या होता है और ऑफ करने पे क्या होता है। अगर आप लोग रिलोड प्रोग्रेस ऑन क्रॉस हेयर को ऑन करते हो उसके बाद जैसे आप लोगों ने किसी बंदे फायर किया उसके बाद आप लोग जैसे अपनी गन को रिलोड पे लगाओगे तो यहाँ पर आप लोग को एक गन का साइन बन के आएगा। अदरवाइज अगर आप लोग इसे ऑफ करते हो तो आप लोग यहाँ पर अपनी जब गन को रिलोड करते हो तो यहाँ पर आपको वो साइन नहीं दिखाई देता है। तो अभी हम बात करते हैं आप लोग के नेक्स्ट बटन के बारे में बात। तो नेक्स्ट नंबर पे जो बटन है उसका नाम है ग्रेनेड स्लॉट। यहाँ पर आपको दो ऑप्शन देखने को मिलते हैं, एक तो होता है आप लोग का सिंगल स्लॉट और दूसरा होता है आप लोग का डबल स्लॉट। तो देखो अगर आप लोग इसे डबल स्लॉट पर सेलेक्ट करते तो उस टाइम पे होता क्या है कि आप लोगों का ग्लू बॉल वाला बटन अलग जगह पर रहेगा और आप लोगों का ग्रेनेड वाला बटन जो होता है वो अलग जगह पर रहेगा। अगर आप लोग चाहते हो कि मैं ग्रेनेड को अलग रखना चाहता हूँ फिर ग्लू बॉल को अलग रखना चाहता हूँ तो आप लोग इसे डबल स्लॉट पर सेलेक्ट करना। वहीं अगर आप लोग चाहते हो कि मैं ग्रेनेड भी एक ही में रहे या फिर मैं ग्लू बॉल भी एक ही बटन के अंदर ऐड रहे तब आप लोगों को इसे सिंगल स्लॉट करना है। अदरवाइज आप लोग चाहते हो कि मेरी ग्लू बॉल अलग रहे और मैं ग्रेनेड अलग रहे तो आप लोगों को इसे डबल स्लॉट पर सेलेक्ट कर देना है। तो चलो अभी हम बात करते हैं नेक्स्ट बटन के बारे में बात। उस बटन का नाम है ग्लू बॉल स्मार्ट थ्रो। यहाँ पर आप लोगों को दो ऑप्शन देखने को मिलते हैं, एक तो होता है आप लोग का ऑन वाला और दूसरा होता है आप लोगों का ऑफ वाला। अब देखो अगर आप लोग ग्लू बॉल स्मार्ट थ्रो को ऑन करते हो तो उस टाइम पे होता क्या है, जैसे ही आप लोग अपने हाथ में ग्लू बॉल लोगे तो ऑटोमेटिक ही वो ग्लू बॉल लग जाएगी। लेकिन अगर आप लोग इसे ऑफ करके रखते हो तो उस टाइम पे होगा क्या कि आप लोग अपने हिसाब से अपनी ग्लू बॉल को एडजस्ट करके लगा सकते हो। जैसे यहाँ पर मैंने ग्लू बॉल स्मार्ट थ्रो को ऑफ कर दिया उसके बाद तुम देख सकते हो कि मैं जहाँ कहीं पर भी चाहता हूँ वहीं पर ही ग्लू बॉल लगेगी, आप लोगों की ऑटोमेटिक ग्लू बॉल नहीं लगेगी। तो आप लोगों को इसे हमेशा ऑफ पर सेट करना है क्योंकि अगर आप लोग इसे ऑन करते हो तो उस टाइम पे आप लोगों की ऑटोमेटिक कहीं पे भी ग्लू बॉल लगा देगा। तो चलो अभी हम बात करें छठी और सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट सीक्रेट बटन के बारे में बात। लेकिन उससे पहले मैं तुम सभी से एक छोटी सी क्वेश्चन और है, एक सेकंड का टाइम निकाल के इसको भी सुन लेना। तो जैसा कि तुम सभी को पता है कि एक वीडियो को बनाने में बहुत ज्यादा मेहनत लगती है, मैं आपको अपनी वीडियो में ए से लेकर जेड तक पूरा को पूरा एक्सप्लेन करके समझाता हूँ। तो मेरे भाई इसके बदले बस आपके थोड़े सपोर्ट की जरूरत है। तो अगर आप लोगों ने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो मेरे भाई लाइक वाला बटन दबा देना। चैनल पर अगर आप नए बच्चों को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर सेट कर देना। ये बात तुम सभी को पता है कि ना तो लाइक करने के पैसे लगते हैं और ना ही सब्सक्राइब करने के पैसे लगते हैं। अब यार देखो मैं आपसे इतनी रिक्वेस्ट कर रहा हूँ तो एक बार मेरे कहने से नीचे साइड देखो आपको लाइक वाला बटन भी मिल
मिल जाएगा और सब्सक्राइब वाला बटन भी मिल जाएगा। तो सिंपली बस आपको उन पे प्रेस करना तो है। अभी हम बात करते हैं आप लोगों के नेक्स्ट बटन के बारे में बात। तो नेक्स्ट नंबर पे जो बटन है वो है गाइस आप लोगों का रन मोड। रन मोड के अंदर आपको तीन ऑप्शन देखने को मिलते हैं, क्लासिक, ड्रैग और मिक्स्ड। अभी हम बात करते हैं कि ये तीनों बटन किस तरीके से वर्क करते हैं। देखो अगर आप लोग इसे क्लासिक पर सेट करके रखते हो तो यहाँ पर आप लोग को जॉयस्टिक वाला बटन अलग देखने को मिलता है और रन वाला बटन अलग देखने को मिलता है। जॉयस्टिक से आप लोग जॉयस्टिक ले सकते हो, रन वाले बटन से आप लोग भाग सकते हो। लेकिन भाई अगर आप लोग अपने रन वाले मोड को ड्रैग पर सेट करते हो तो उस टाइम पर होता क्या है कि आप लोगों को जो रन वाला बटन होता है वो वहां से हट जाएगा। आप लोग सिर्फ और सिर्फ जॉयस्टिक को ड्रैग करके अपने कैरेक्टर को रन करा सकते हो, फिर जॉयस्टिक ले सकते हो। अब यहाँ पर सबसे लास्ट में एक बटन और होता है जिसका नाम होता है मिक्स्ड। अब देखो अगर आप लोग इसे मिक्स्ड पर सेट करके रखते हो तो उस टाइम पर होता क्या है कि आप लोगों को रन वाला बटन भी देखने को मिलेगा और जॉयस्टिक वाला बटन भी देखने को मिलेगा। उस टाइम पर आप लोग रन वाले बटन से भी अपने कैरेक्टर को रन करा सकते हो और अपनी जॉयस्टिक को ड्रैग करके भी अपने कैरेक्टर को रन करा सकते हो। तो यहाँ पर मैं आपको बोलूंगा कि आप लोग क्लासिक, ड्रैग या फिर मिक्स्ड में से जो कोई भी चूज करना चाहते हो आप इनमें से तीनों में से एक ऑप्शन चूज कर सकते हो। उसके बाद कंट्रोल सेटिंग के अंदर कुछ और भी सेटिंग होती है जिन्हें आप लोग कुछ इस तरीके से रख सकते हो। अगर आप लोग चाहो तो इनको कॉपी करके रख सकते हो। अगर आप लोग चाहते हो कि मैं कंट्रोल सेटिंग के ऊपर पूरी की पूरी वीडियो लेके आऊँ तो कमेंट बॉक्स में याद से कमेंट कर देना। और इसके साथ ही तुम सभी से मेरी छोटी सी रिक्वेस्ट और है कि देखो अभी मैंने एक हेल्प वाला चैनल क्रिएट किया है तो उस चैनल की जो लिंक है वो मैंने कमेंट बॉक्स के अंदर डाल रखी है। तो वहां पर मैं अभी अपनी पहली वीडियो अपलोड करूंगा जो कि हेल्प की रहेगी, जिसमें मैं कुछ गरीब लोगों की हेल्प करूंगा। वो चैनल मैंने गरीब लोगों की हेल्प के लिए ही बनाया है। तो अगर आप लोग चाहो तो उस चैनल को भी जाके सपोर्ट करके आ सकते हो। तो वहां पर आपको सिंपली जाके सब्सक्राइब करके आना, क्योंकि वो चैनल मैंने सिर्फ और सिर्फ गरीब लोगों की हेल्प करने के लिए बनाया है। वहां पर मैंने अभी तक कोई ऐसी वीडियो बना के नहीं डाली, लेकिन बहुत ही जल्द आप लोगों को वहां पर बहुत सारी वीडियो देखने को मिलेंगी। तो मैं तुम सभी से इतनी सी रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि अगर हो सके तो कमेंट बॉक्स के अंदर जाओ, सेकंड चैनल को जाके सब्सक्राइब करके आ जाना। अभी के लिए बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट टॉपिक के साथ।